प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी का आज की बाइबल स्टडी में स्वागत करते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और बाद में हम जो वचन परमेश्वर आज हमें समझाना चाहता है, जो सिखाना चाहता है, हम सीखेंगे और समझेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये हमें मौका दिया। परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो प्रभु तेरा कि प्रभु तेरे वचनों से आप हमें सिखाते हो, हमें ये मौका देते हो कि प्रभु भले ही आज हम कॉरपोरेट फेलोशिप नहीं कर पाते हैं, एक साथ मिलकर प्रभु हम आपकी आराधना कहीं कर नहीं पाते हैं, हम चर्च में जाकर प्रभु आपके वचन नहीं सुन पाते हैं, पर फिर भी प्रभु आपने हमारे लिए मार्ग निकाला कि प्रभु आपके वचन हम तक पहुँच सके। और इन दिनों में जो प्रभु तैयारी के समय है, प्रभु हम अपने आप को तैयार करें और ये मौका आपने दिया, हम धन्यवाद करते हैं। पिता, इस समय मैं मुझे और सुनने वाले हर एक लोगों को, उनके परिवारों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु हमारे सारे पाप धर्म को आप क्षमा करें। परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है कि आपके लहू में आप हमें धोकर शुद्ध करें, हमें पवित्र करें। पवित्र आत्मा, हम आपको वेलकम करते हैं हमारे मध्य में, क्योंकि प्रभु आप ही हो जो सच्चे शिक्षक हो, प्रभु आप ही हो जो हमें वचनों को सिखा सकते हो, पवित्र आत्मा आप ही हो जो हम में वास करते हो, और प्रभु इस समय कलीसिया को आप तैयार कर रहे हो। परमेश्वर पिता, हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे मन की आंखों को आप खोल दीजिए। प्रभु यीशु के नाम में हमारी प्रार्थना है पिता, हमारे समझ को, बुद्धि को आप खोल दीजिए, ताकि प्रभु हम आपके बारे में सीख सके, समझ पाए। प्रभु पवित्र आत्मा, मैं मेरा हृदय, मन, आत्मा, शरीर, प्राण आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु आपकी ही इच्छा आज की बाइबल स्टडी में और हमारे सबके जीवन में पूरी हो। पवित्र आत्मा, आप जो हमें सिखाना चाहते हो, समझाना चाहते हो, हमें सिखाइए और समझाइए। हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, आपने सुनी है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से। आमेन, आमेन। मैं आपका इस बाइबल स्टडी में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्यारो, बीते दिनों में हमने कई सारी बातें हमने सीखी थी, हमने समझी थी। आज एक बार फिर हम शुरुआत करते हैं, थोड़े हम प्रारंभ में जाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर का कोई भी आरंभ नहीं है, परमेश्वर की कोई भी शुरुआत नहीं है, और जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई आरंभ नहीं है, अनारंभ की ये सोच ही परमेश्वर को, यानी कि जिस परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है, उस अनारंभ, जिसका कोई आरंभ नहीं है, उस परमेश्वर की, उस अनारंभ की सोच ही है जो परमेश्वर की खोज है। इस संसार में आप देखो, हर एक मनुष्य छोटे बच्चे से लेकर साइंटिस्ट तक, हर एक व्यक्ति, उनकी कुछ जिज्ञासा है, है ना। हम छोटे बच्चे की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अक्सर हम ऐसा मानते हैं कि एक छोटा बच्चा, उनकी बुद्धि क्षमता कम होती है, और एक साइंटिस्ट जिसकी बुद्धि क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बहुत बुद्धिशाली वो होते हैं और अलग अलग वो खोज करते रहते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि एक छोटा बच्चा जब छोटा होता है, आपका भी बहुत सारा अनुभव रहा होगा, है ना, वो बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। ये कैसे आया, ये कैसे हुआ, ये किसने बनाया, वो कुछ भी नया ऐसा देख लेगा, वो तुरंत आपको प्रश्न करेगा, है ना। एक बच्चे की जो जिज्ञासा है वो एक पॉजिटिव जिज्ञासा है, उसमें एक प्रेम है खोजने का, है ना। और एक साइंटिस्ट, उसकी जो जिज्ञासा है, साइंटिस्ट वो हर कुछ खोजना चाहता है, क्योंकि वो वहां तक पहुंचना चाहता है कि जो कुछ भी हम हमारे आमने सामने, हमारे आसपास देख रहे हैं, ये सब कुछ नहीं था, तब क्या था। एक छोटा बच्चा, मुझे आज भी याद है कि जब हम, नहीं, मैं छोटा था, और आप लोगों को भी वो गाना याद होगा, गुजराती एक गीत है कि भाई मने कहो ने परमेश्वर केवा हसे ने क्या रहता हसे, मुझे बताओ कि परमेश्वर कैसा है, वो
कहाँ रहता है, वो कैसा है, एक छोटे बच्चे की भी ये जिज्ञासा होती है और इसी कारण ये गाना बना होगा। और एक जो साइंटिस्ट होता है वो भी आज वही रेस में लगा हुआ है, वो आरंभ को, शुरुआत को खोजना चाहता है कि भाई चलो ये पृथ्वी है, जब कुछ नहीं पता था उन्होंने पृथ्वी को खोज लिया, पृथ्वी की रचना को खोज लिया, पृथ्वी आकाश में टंगी हुई है वो खोज लिया, उसके बाद पृथ्वी सूर्यमंडल में है वो खोज लिया, उसके आगे गया उसने ब्रह्मांड खोज लिया, पर फिर भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाया कि ये ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले क्या था। अभी तक साइंटिस्ट वो पूरे ब्रह्मांड को ही नहीं खोज पाए, है ना। एंटार्क्टिका में उन्होंने जाने की कोशिश की साइंटिस्टों ने, और आधे रास्ते पे ही सब कुछ, उनके जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जो साधन थे वो बंद हो गए। एंटार्क्टिका में आते से ही उनको वापस लौट जाना पड़ा। एक थियरी है ना, इस पृथ्वी का सर्जन कैसे हुआ, इस ब्रह्मांड का सर्जन कैसे हुआ, जब कुछ नहीं था तब क्या था, शुरुआत में क्या, प्रारंभ में क्या था, एक थियरी उन्होंने खोज निकाली जिसको बिग बैंग थियरी बोलते हैं, है ना, कि एक धमाका हुआ और धीरे 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 करके सब कुछ अस्तित्व में आया। कुछ साइंटिस्ट लोग उसमें विश्वास करते हैं, कुछ साइंटिस्ट लोग उसमें विश्वास नहीं करते हैं। यदि मेरी पर्सनली बात करो तो मैं बिग बैंग थियरी में थोड़ा भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि धमाका हो और वहां जीवन उत्पन्न हो। एक छोटा सा बम जब हम फोड़ते हैं ना, वो फटाका, वहां आसपास जो कुछ भी होता है वो वैर विखेर हो जाता है, वो विनाश करता है। तो बिग बैंग थियरी से जीवन अस्तित्व में आए ये तो मुमकिन ही नहीं है। मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में एक साइंटिस्ट था, ऐसा भौतिक शास्त्री जिसको आप बोल लो, जो खोज करता है ना, डार्विन, यदि आप जानते हो, है ना, उन्होंने एक विचार लाया कि डार्विन का उत्क्रांतिवाद कि भाई मनुष्य में से, बंदर में से मनुष्य बना, है ना। समय जाते हुए लोगों को पता चला कि भाई ये तो गलत बात है। कई लोगों ने बाइबल को गलत साबित करने के लिए किया, कई लोगों ने बाइबल में से जो वचन जब वो पढ़ते थे तब कुछ मिला और उनके आधार पर उन्होंने खोज करने की शुरुआत की, और वो देखो कुछ भी नया नहीं खोजा जा रहा है ना। मैं इसको डिस्कवरी बोलता हूँ, ना ही इन्वेंशन, है ना। डिस्कवर, जो था उसको सिर्फ हम डिस्कवर कर रहे हैं, सिर्फ पर्दा उठा रहे हैं, है ना। सो डार्विन का जो उत्क्रांतिवाद था वो बहुत थोड़े सालों पहले उनको खारिज कर दिया गया, है ना, कि भाई ये थियरी गलत है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने प्रतिमा में मनुष्य को उत्पन्न किया। यदि इंसान ने उस वचनों पे ही विश्वास कर लिया होता, बहुत सारे लोग उस वचनों पे विश्वास करते हैं पर कुछ अपने अभिमान में बहुत कुछ खोजने का प्रयत्न करते हैं और वचन को आधार नहीं बनाते हैं, तो वो थियरी फेल हो जाएगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता है आज मनुष्य स्पेस में जाके क्यों पानी ढूंढ रहा है, क्यों पानी आकाश में जाकर क्यों पानी ढूंढ रहा है? आप यदि उत्पत्ति पहला पुस्तक, है ना, उत्पत्ति पहला पुस्तक पहला अध्याय पढ़ो तो वहां लिखा है परमेश्वर ने ऊपर के पानी को और नीचे के पानी को अलग किया, है ना। पानी बहुत अथक जल था, जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराया और परमेश्वर ने कहा उजाला हुआ। उसके बाद जो पानी था, एक पानी को ऊपर रख दिया, दूसरे पानी को नीचे और बीच में अंतरिक्ष बनाया। आप पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, है ना। तो इस बात को आधार बनाकर आज अवकाश में जाके, स्पेस में जाके पानी खोजने की इन्होंने तैयारी की है मनुष्य ने। पानी क्यों, आधार क्या बनाया है कि भाई अवकाश में भी पानी है। पर एंटार्क्टिका में जाकर ही आधे रास्ते पर जब हमारे साधन सामग्री बंद हो जाते हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड, हम तो हमारी गैलेक्सी के आगे भी शायद नहीं पहुंच पाए, बहुत कुछ साइंस ने खोज निकाला है, वहां पहुंचा नहीं है, सिर्फ उनकी जानकारी प्राप्त की है, है ना, वहां पहुंचा नहीं है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, यदि पूरे ब्रह्मांड में आप मनुष्य को देखो तो वो बहुत ही छोटा है, और जिस परमेश्वर ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है उनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कौन है,
कैसा है? जो कुछ भी आज हम जानते हैं वो आंशिक है, बहुत ही कम हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, और वो भी हम वो बातें जानते हैं जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट की है। उन्होंने जो प्रकट किया है वो ही आंशिक हम जानते हैं उनके बारे में। उत्पत्ति एक और एक आप निकालिए, उत्पत्ति एक और एक, उत्पत्ति पहला अध्याय पहली आयत, वहां लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वहां जो हेवन शब्द है, जो ओरिजिनल शब्द है, वो बहुवचन है ना, प्लूरल है, वो सिंगुलर नहीं है। यानी कि वहां यदि ऐसा, क्योंकि वो समस्त ब्रह्मांड की शायद बात की है, इसलिए लोगों ने उनको ऐसे ट्रांसलेट किया कि आदि में परमेश्वर ने आकाश, पर आकाशो ऐसा होना चाहिए, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है ना। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, सृष्टि की। देखो यहां पर आप देखो, आदि में परमेश्वर ने, यानी कि प्रारंभ में जब कुछ भी नहीं था तब परमेश्वर ने, यानी कि जब कुछ भी नहीं था तो परमेश्वर वहां पे मौजूद था, जब कुछ नहीं था तब परमेश्वर वहां पे मौजूद था, और जो मौजूद परमेश्वर था उस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। ये समस्त ब्रह्मांड और सब कुछ उस आदि में जो परमेश्वर था उसने बनाया, यानी कि ये जो सृष्टि है उसमें परमेश्वर नहीं है। देखो एक उदाहरण से समझते हैं, यदि इंसान कुंभार जब मिट्टी का कोई पात्र बनाता है ना, वो चौक होता है और उसके ऊपर मिट्टी का पात्र बनाता है, वो कुंभार उस मिट्टी के या उस वो जो उनका जो नहीं औजार होता है, वो चाक जो घूमता रहता है ना, उसके अंदर कुंभार नहीं है, कुंभार इससे बाहर है और बाहर रहकर उनको बना रहा है ना, बाहर रहकर उनको बना रहा है। तो परमेश्वर जब उन्होंने सृष्टि की तो वो सृष्टि में नहीं था, वो बाहर है, जो भी सृजन है उससे परमेश्वर बाहर है। तो यहां पर दो एंटिटी हमें मिलती है, एक जो सृजन की गई है और एक जो खुद में सर्जक है ना, सर्जक और सृष्टि। इसीलिए हम इसको सृष्टि कहते हैं, क्योंकि वो किसी के द्वारा सृजा गया है। मनुष्य भी इसी परमेश्वर का सर्जन है ना। उत्पत्ति 1:26 कहती है, आदि में परमेश्वर ने कहा कि भाई आओ हम अपने स्वरूप और समानता में इंसान को, मनुष्य को बनाए। और मनुष्य ह्यूमन, वहां जो शब्द है उसको हम यदि डिराइव करना चाहे तो ह्यूमस मैन है ना, मिट्टी में से बनाया हुआ, और वो गलती करेगा, वो उनकी मनुष्य की डेफिनेशन ही कहती है कि वो गलती करेगा, यदि वो गलती नहीं करेगा तो वो मनुष्य नहीं है ना, मनुष्य की डेफिनेशन ही है कि वो गलती करेगा। और कहीं ना कहीं आज हम परमेश्वर के ईश्वरत्व के बारे में, परमेश्वरत्व के बारे में बहुत कुछ जब बताते हैं, कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम जानते हैं वो बहुत कम जानते हैं ना, बहुत कम जानते हैं। जो भी परमेश्वर ने बनाया है और उसमें जो भी प्रकट हुआ है, जो अपने वचनों से परमेश्वर ने प्रकट किया है, वो ही हम जानते हैं। जो परमेश्वर ने प्रकट किया, रिवील है ना, इन्फॉर्मेशन और रिविलेशन, उसमें फर्क है। इन्फॉर्मेशन और रिविलेशन, रिविलेशन जब तक परमेश्वर हमें ना दे हम वो जान नहीं पाएंगे। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करना चाहता हूं, ताकि हम समझ पाए कि मनुष्य जो कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की रचना है, और रचना होकर जो रचनाकार है उसके बारे में हम सब कुछ नहीं जान पाएंगे है ना, सब कुछ नहीं जान पाएंगे। जो कुछ भी हम जानते हैं वो आंशिक है, कम है। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, सिर्फ सोचिएगा है ना, इसके ऊपर विचार करिएगा। मनुष्य की जो धड़कन है ना, धड़कन, हम जब हाथ रखते हैं तो हम धड़कन को महसूस कर पाते हैं है ना, जो धड़कन जो चलती है उसका अल्टीमेट फोर्स क्या है? माता के गर्भ में जब स्त्री बीज और पुरुष का बीज फर्टाइल होता है, हम सब कुछ जानते हैं कि फर्टाइल होता है, पर उसमें जीवन कहाँ से आता है? साइंस जितनी खोज कर पाई है, जितना डिस्कवर कर पाया है, उसके हिसाब से ये प्रूवन है कि जब बीज फर्टाइल होता है, यानी कि जब उसमें जान आती है, जैसे ही जान आती है वहां पर एक ज्योति झबकती है, वहां पर एक उजियाला होता है। ये साइंस ने आप बहुत सालों बाद ये
खोज की कि भाई वहां जब जीवन उत्पन्न होता है, जब जीवन वहां पर आता है, एक उजियाला वहां पर उत्पन्न होता है। हृदय की धड़कन आखिर में कैसे चलती है, वो जीवन कहां से आता है, किसके पास इसका उत्तर है। हम सोच करते हैं ना, विचार करते हैं, हम ऐसा मानते हैं जो कुछ भी अब तक खोजे हुई है कि भाई माइंड में से है ना, माइंड मगज, ये जो हेड है वहां पर हम जानते हैं कि मगज है, उसमें से हम मानते हैं कि भाई मन में से विचार आता है। तो हृदय में से विचार आता है या मन में से विचार आता है, माइंड में से कहां से विचार आता है। और यदि कोई कहे कि मन में से, है ना, हृदय और माइंड का कॉम्बिनेशन, मन जिसको हम मन बोलते हैं, वहां से आता है, तो एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है कि जहां से विचार उत्पन्न होता है, किसके पास आंसर है। चलो ये बहुत बड़ी बड़ी बात है ना, आपके पास जो फोन है ना, उस फोन के अंदर के सभी फीचर्स आप जानते हो, सब कुछ आप जानते हो, इस फोन के अंदर जितने भी फीचर्स है, जो जो कुछ भी है आप जानते हो। हम नहीं जानते, सब कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि भाई इससे मैं फोन कर पाता हूँ, जो कुछ भी हम यूज करते हैं वो यूज कर पाते हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है हम नहीं जानते। इंसान अपने आप में ही एक पहेली है, अपने आप के बारे में बहुत कुछ हम लोग नहीं जानते हैं, और हम इंसान परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानते जानने की कोशिश करें, या बहुत थोड़ा बहुत कुछ जानकर हम दावा करें कि हम सब कुछ जानते हैं, तो वो अपने आप में एक क्या अभिमान मैं बोलूंगा, अपने आप में वो बड़ा करना है कि सब कुछ इंसान जानता है परमेश्वर के बारे में। मेरा ये मानना है, जितना भी मैं जान रहा हूँ परमेश्वर को, है ना, मैं प्रोसेस में हूँ, जान रहा हूँ, बहुत कम, जितना भी परमेश्वर को हम जानते हो प्यारो, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और बहुत सारे प्रभु के दास जो परमेश्वर को जानने की कोशिश में है वो कहेंगे कि जितना भी हम परमेश्वर को जानते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम एक स्टेप पीछे हो गए, जितना हम जानते थे उससे एक स्टेप पीछे हो गए हैं। जितना हम परमेश्वर को आगे जाकर जितना ज्यादा जानते हैं, हर समय ऐसा लगता है कि परमेश्वर को जो मैं जान रहा था उससे एक स्टेप में पीछे हूं। यानी कि वो असीम अगाध अनंत परमेश्वर है, कौन उस अनंत परमेश्वर को जान पाए। होली ट्रिनिटी है ना, ये पूरा ब्यौरा मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि त्रिएकता के बारे में हम कितना भी सीख ले या सिखाए प्यारो, हम बहुत कम जानते हैं, बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं, जो जान पाए हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, वो भी अपने आप में एक पैराडॉक्स है, इट्स अ मिस्ट्री, है ना। त्रिएकता एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है जो कोई नहीं जान पाया है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी बेस्ट बाइबल टीचर्स आज तक खोज गए, मेरे अनुभव से डॉक्टर माइल्स मुनरो मेरे अनुभव से सबसे नहीं, आज तक के हमारी एज के यदि बेस्ट बाइबल टीचर यदि किसी को मैं कहूँ तो वो है, और वो भी कहते हैं कि ट्रिनिटी त्रिएकता को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और मैं भी कहता हूँ कि मैं इनको नहीं समझ पा रहा हूँ। जितना भी हम जानते हैं, जितना भी हम समझते हैं या जानने की कोशिश करते हैं या दावा करते हैं कि त्रिएकता के बारे में हम ये जानते हैं, वो बहुत ही कम है, आंशिक है। एक पिक्चर मैं यहां आपको दिखाना चाहता हूं, त्रिएकता ट्रायूनिटी है ना, ट्रिनिटी बोल सकते हो, ट्रायूनिटी बोल सकते हो, ट्रायून गॉड ऐसा आप कह सकते हो, ट्रायूनिटी त्रिएकता, पवित्र त्रिएकता। यहां ऊपर आप देखो तो द फादर, गॉड द फादर, बीच में जो सर्कल है बड़ा सा जहां पर गॉड लिखा है वो पहले आप देखिए, गॉड इज द फादर, परमेश्वर पिता है, देन परमेश्वर लेफ्ट साइड पे परमेश्वर पुत्र है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा है। पिता जो परमेश्वर है वो पुत्र नहीं है, पुत्र जो परमेश्वर है वो पवित्र आत्मा नहीं है, और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है वो पिता नहीं है,
और फिर भी वो एक है, और वो तीन परमेश्वर नहीं पर एक परमेश्वर है, है ना? वो तीन परमेश्वर नहीं पर एक परमेश्वर है। मैं धीरे धीरे इसलिए जा रहा हूं ताकि आप जितना भी हम जान पाए वो थोड़ा बहुत समझ ले, है ना? हम त्रिएकता के बारे में जाने उससे पहले त्रिएकता क्या नहीं है वो देख लेते हैं, है ना? एक कॉन्सेप्ट है जिसको ट्राइथिज्म बोला जाता है, यानी कि थ्री गॉड्स, इसको सिंपल भाषा में बोले तो तीन परमेश्वर। इस संसार में और खास करके भारत में ये प्रचलित मान्यता है कि परमेश्वर तीन है, है ना? आप नाम जानते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पर तीन परमेश्वर। तो बाइबल और बाइबल का परमेश्वर इसको मान्यता नहीं देता है कि भाई तीन परमेश्वर है। बाइबल और हम क्या मानते हैं? एक परमेश्वर है जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन व्यक्ति है, तीन व्यक्ति है, पर आखिर में वो एक परमेश्वर है, तीन परमेश्वर नहीं है। इसको कहते हैं बहु ईश्वरवाद, है ना? बहु ईश्वर, एक से ज्यादा, तीन परमेश्वर। यह ऐसी स्थिति है जो प्रत्येक पूरी तरह से परमेश्वर, जो तीन परमेश्वर नहीं, तीन परमेश्वर ऐसा बोलती है, और एक दूसरे से उनको कोई लेना देना नहीं। जबकि हमने देखा आगे कि भाई वो आखिर में तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन व्यक्ति जो एक परमेश्वर है, वो अपने आप में भी अलग है और मिलकर एक परमेश्वर है, ट्रायून गॉड, है ना? तो तीन परमेश्वर, ऐसा कई लोग मानते हैं जो गलत है। बाइबल के ईश्वर में भी के भी बारे में लोग ऐसा मानते हैं कि भाई थ्री गॉड्स, पुत्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीन पर अलग। इसकी देखो मैं इमेज आपको बताऊ, इसको कहते हैं ट्राइथिज्म। यदि कि भाई पिता एक परमेश्वर, पुत्र एक परमेश्वर, उनका शेप देखो अलग अलग है ना, ऐसा लोग मानते हैं, जो गलत है। दूसरी जो मान्यता है गलत, वो है मॉडलिज्म, मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस, वन गॉड मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ इन थ्री वेज। यह गलत मान्यता ऐसी है कि भाई एक परमेश्वर खुद को तीन तरीकों से प्रकट करता है। यह परमेश्वर के सिर्फ एकत्व को मानते हैं कि भाई परमेश्वर एक है, उतना मानते हैं, और ये एक परमेश्वर अलग अलग रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, ऐसी मान्यता, ये गलत है। ये मान्यता वाले लोग प्रभु यीशु मसीह का जब बाप्तिस्मा हुआ तो वो, मैं समझाना चाहता हूं ना आपको, वो क्या नहीं मानेंगे, वो ये नहीं मानेंगे कि भाई पिता जिसने बात किया वो इंडिविजुअल है, पुत्र जो बाप्तिस्मा ले रहा है वो भी इंडिविजुअल है, और पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर व्यक्ति के रूप में, पर कबूतर के समान है ना, कबूतर के नाई उतरा, तो वो डिस्टिंक्टनेस जो है ना, वो लोग नहीं मानेंगे। वो ऐसा ही कहेंगे कि एक परमेश्वर है जो तीन स्वरूप में, तीन रूप में अपने आप को प्रकट करता है। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि भाई एक ही परमेश्वर, बीच में देखो तो एक ही परमेश्वर, पर फादर के रूप में अपने आप को प्रकट करता है, पवित्र आत्मा के रूप में अपने आप को प्रकट करता है, और पुत्र के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। ये भी गलत मान्यता है, गलत सिद्धांत है। तीसरा है, हम हिंदी में बोलेंगे एरियनवाद, है ना, एरियनिज्म। यह विधर्म ऐसा मानता है कि परमेश्वर सर्वोच्च परमेश्वर है ना, याहवे परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, वो सर्वोच्च परमेश्वर है। और हालांकि यीशु, प्रभु यीशु जो है, जिसको परमेश्वर, जो भी परमेश्वर है, जो परमेश्वर है वो यीशु, वो सभी इस सृष्टि में जितना भी सृजन है उस सृजन की तुलना में अधिक है, है ना? वो क्या मानते हैं, पिता से कम और जितना भी सृजन है उसकी तुलना में अधिक। वो लोग प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को इनकार करते हैं, तो ये भी मान्यता गलत है। जहोवा विटनेस, वो यहाँ पर फॉल करेंगे, है ना, इसमें आएंगे। और भी बहुत सारी मान्यताएं है गलत, जो जैसे कि प्रभु यीशु मसीह यीशु वो इटर्नल है पर वो पिता से कम है, जैसे हमने देखा, है ना? तो फिर से हम इस इमेज में आ जाते हैं। ये थी गलत मान्यताएं जो आज तक संसार में चलती है, आज भी है। तो सही क्या है, इस चित्र को देखिए, इस इमेज को देखिए। जैसे हमने देखा परमेश्वर जो पिता है, परमेश्वर जो
पुत्र है, परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है, ये तीन व्यक्ति है पर आखिर में वो एक परमेश्वर है। ये जो चित्र है उसमें आप देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छे से त्रिएकता को दर्शाता है, पर यहाँ पर यदि एक सर्कल बना दे जो ये पूरे चित्र को कवर करे तो ये बेस्ट चित्र होगा त्रिएकता को समझाने के लिए। इसी तरह वो चित्र को आप यहाँ पर ले आओ और ये जो सर्कल जैसे बना है ये है ट्रिनिटी, त्रिएकता, है ना। पिता भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, पुत्र भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति है और पवित्र आत्मा भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति है। पिता पुत्र से अलग है, पुत्र पिता से अलग है और पवित्र आत्मा भी उनसे अलग है। यानी कि तीन व्यक्ति, पर तीन व्यक्ति यदि वहां पर है एक साथ तो एक परमेश्वर तीन व्यक्ति, है ना। सिंपल फॉर्म में एक परमेश्वर तीन व्यक्ति, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। त्रिएकता का जो सिद्धांत है उसमें पहले हम देख लेते हैं कि भाई परमेश्वर का अस्तित्व, वन गॉड और यूनिटी, उसमें यूनिटी है, है ना। एक ही परमेश्वर है पर यूनिटी किसमें है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, वो तीन मिलकर ट्रायून गॉड, इसीलिए हम बोलते हैं ट्रायून गॉड, ट्रायूनिटी, है ना। पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात पर जोर देती है कि परमेश्वर एक है, है ना। उसके वचन देखो, जो कुछ भी हम बात करते हैं उसका क्या बिब्लिकल आधार है, बिब्लिकल रेफरेंस है, तो ही हम उसको सच मान सकते हैं ना। बिब्लिकल आधार, देखो तीन बातें होती है, ये सब मेरे आज का जो मेरा विषय है उसमें नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल के विषय में तीन बातें हैं। एक बिब्लिकल, जिसको हम बिब्लिकल बोलते हैं। दूसरा नॉन बिब्लिकल, यानी कि जो बाइबल के आधार पर नहीं है। पर तीसरा है जिसको एक्स्ट्रा बिब्लिकल, जो बाइबल में नहीं है पर है, है ना। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि देखो यहून्ना ने, यहून्ना रचित सुसमाचार उसका आखिरी अध्याय 21वां अध्याय और आखिरी आयत शायद 25वीं आयत होगी, आप यहाँ पर पढ़ो तो वहां लिखा है कि यदि प्रभु यीशु मसीह के कामों के बारे में हम सब कुछ लिखे तो ये सारी पृथ्वी में ना समा पाए उतने पुस्तक होंगे। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही, उनके कार्य के बारे में ही इतनी सारी बातें हैं, तो हम जब पूर्ण है ना, परमेश्वर के बारे में हम सारी बातें हम नहीं जानते, जो कुछ भी हम जानते हैं वो आंशिक है। तो बाइबल उसको आधार क्या देता है, तो पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात पर जोर देती है कि परमेश्वर वो एक है। निर्गमन 20वां अध्याय 2 और 3 आयत, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। एक परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय 4 आयत, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है और वो यहोवा एक ही है, परमेश्वर एक ही है। यशाया नबी की किताब उसका 44वां अध्याय 6वीं आयत, यहोवा जो इज़राइल का राजा है अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। बाइबल का परमेश्वर वो एक परमेश्वर है, है ना। यहून्ना 10वां अध्याय और 30वीं आयत, देखो जब तक पुराना नियम था तब तक लोगों को आपत्ति नहीं थी, पर जैसे ही प्रोफेसाइड मसाया इस पृथ्वी पर आ गया और उसने कहा मैं और पिता एक है, तो नहीं वहां के लोगों में जब उस समय पर वहां पर जो लोग थे सब में एक हड़कंप मच गया कि भाई तू अपने आप को कैसे परमेश्वर के समान बता सकता है, कैसे अपने आप को परमेश्वर के समान कह सकता है। ट्रायूनिटी, ट्रिनिटी एक मिस्ट्री है प्यारो, हम सब कुछ नहीं जानते है ना उसके बारे में। जो कुछ भी हम जान पाए हैं वो परमेश्वर को जानने के लिए बहुत ही काफी है। मैं और पिता एक है, आई एंड द फादर, देखो मेरा पिता या सिर्फ पिता नहीं पर द फादर, है ना। वो परमेश्वर जो पिता है उसके बारे में इंडिविजुअल डिस्टिंक्टनेस वहां पर दर्शाता है, मैं और पिता एक है।
तो यहां पर हमने देखा परमेश्वर एक है। दूसरी बात जो हमने पहले चित्र में देखी थी कि भाई एक परमेश्वर है पर उसमें तीन अलग व्यक्ति है। बाइबल यह भी बताती है कि परमेश्वर एक है फिर भी तीन अलग अलग व्यक्ति है ना, पर ये तीन आखिर में एक है जैसा हमने पहले देखा है ना। रेफरेंसेस देख लेते हैं। यूहन्ना पहला अध्याय पहली और तीसरी आयत, जहां पर पिता और पुत्र यीशु को दर्शाया गया। आदि में वचन था, वचन हम जानते हैं कि वो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य उसके उसमें आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है शब्द, उसके ऊपर नाम लिखा था शब्द परमेश्वर, है ना। तो आदि में हम वचन की जगह पर यहाँ पर यीशु मसीह डाल देते हैं। आदि में यीशु मसीह था और यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था। यीशु और परमेश्वर पिता, वहां जो परमेश्वर है उसको हम पिता यदि कहते, यही आदि में परमेश्वर था। तो पिता परमेश्वर और यीशु परमेश्वर दो। यूहन्ना 14:26 आयत, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं ना, जब वो पृथ्वी के ऊपर थे तब उन्होंने बोला, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति जिसको कौन भेजेगा, पिता, और किसके नाम से भेजेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से भेजेगा। वह तुम्हें सब बातें बताएगा और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें वो यानी कि पवित्र आत्मा स्मरण में लाएगा। तीन व्यक्ति है ना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मत्ती 28:19 आयत, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को जो महान आदेश मुझे आपको हरेक विश्वासी को दिया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहां आपको व्याकरण में कुछ गलती लगती है ना, यदि लैंग्वेज की बात करें तो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नामों से होना चाहिए ना, पर क्या लिखा है के नाम से। पिता जो एक व्यक्ति है, पुत्र जो एक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा जो एक व्यक्ति है, पर वो आखिर में एक है, एक परमेश्वर है ना। हम तीन परमेश्वर को नहीं मानते हैं, हम एक परमेश्वर को मानते हैं जो पिता भी है, जो पुत्र भी है और जो पवित्र आत्मा भी है। देखो हर एक इसमें ट्रायूनिटी में, ट्रिनिटी में जो तीन व्यक्ति है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम क्यों कहते हैं कि वो अलग है। हर एक की इच्छा है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम उनका रेफरेंसेस देखेंगे। यूहन्ना 6:40 में बताया है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है, मैं सब कुछ नहीं देख रहा हूँ है ना समय के कारण, पर बाद में आप ये रेफरेंसेस स्टडी करिएगा। पिता की यह इच्छा है कि जो पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। लुका 5:13 आयत, पुत्र परमेश्वर की इच्छा, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं यानी कि मेरी इच्छा है कि तू शुद्ध हो जा। और भी दो रेफरेंसेस है, लुका 22:42 में और मत्ती 26:39 में, आप उसका स्टडी कीजिएगा घर जाकर बाद में। तीसरा, पहला करंथियों 12:11, देखो पिता की इच्छा के बारे में हमें बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे और हम बोल भी पाएंगे। पुत्र प्रभु यीशु, उसके बारे में भी हम बता पाएंगे। पवित्र आत्मा की इच्छा कहीं पे प्रकट हुई है, यस, पहला करंथियों 12:11 आया, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है यानी कि पवित्र आत्मा अपने इच्छा के अनुसार वह बांट देता है। कृपादानों के बारे में बात है वहां पर, है ना, कौन बांट देता है, पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार। तो हर एक ट्रिनिटी में, ट्रायूनिटी में, त्रिएकता में जो पिता है उनकी भी इच्छा है, पुत्र है वो भी इच्छा कर सकते हैं और पवित्र आत्मा जो है उनकी भी इच्छा है ना, तीनों को इंडिविजुअली उनकी इच्छा शक्ति है, इच्छा है।
पिता बोलता है, पुत्र भी बोलता है, पवित्र आत्मा भी, नो ही स्पीक्स। मत्थी रचित सुसमाचार 3:17 पिता परमेश्वर, ये हमने ऑलरेडी रेफरेंस देखा हुआ है कि जब नहीं बपतिस्मा हो उसके आकाशवाणी हुई कि भाई यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, पिता परमेश्वर उन्होंने बोला। यूहन्ना 3 का देखो, ये तो बहुत सारी आयतें हैं जहाँ प्रभु यीशु बोले हैं, हम मत्थी लुका मरकुस यूहन्ना सब में बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे, पर इसमें नहीं उद्धार की बात के लिए ये जानी जाती है, इसलिए ये आयत मैंने यहाँ रेफरेंस के लिए लिखी है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ये कौन बोला है एक्चुअली, प्रभु यीशु मसीह बोला है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र यानी कि यीशु दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेरितों के काम उसका 13:2 परमेश्वर पवित्र आत्मा ना, वो बोले हैं जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे है ना, तो पवित्र आत्मा ने कहा, प्रेरितों जब वो लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने उनसे कहा मेरे निमित्त बरनबास और शाउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। पिता एक व्यक्ति है, पुत्र एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा व्यक्ति है, पर वो आखिर में एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर 3 अलग व्यक्ति। ये उनका डिस्टिंक्टनेस है ना, वो अलग है, वो बातें बताने के लिए समझाने के लिए ही ये रेफरेंसेस मैंने यहाँ पर निकाले हैं। ईश्वरत्व का प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर है, हमने देखा कि 3 अलग व्यक्ति पर आखिर में वो एक परमेश्वर है, वो तीनों अपने आप में भी परमेश्वर है, इसीलिए इसको रहस्य बोलते हैं है ना, इसीलिए इसको रहस्य बोलते हैं। देखो हम बाहरी रूप से बहुत कुछ जानते हैं ट्रिनिटी के बारे में, पर इनर वर्किंग अंदरूनी जो अंदर हो रहा है ट्रिनिटी में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में अंदरूनी क्या है, ये कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। जब तक परमेश्वर प्रकट ना करे, और जितना वो प्रकट ना करे मनुष्य नहीं समझ पाएगा। ईश्वरत्व का यहाँ जब मैं ईश्वरत्व बोलता हूँ तो गॉड हेड है ना, गॉड हेड, यहाँ गॉड हेड के बारे में भी बहुत सारी मान्यताएं है। जैसे कि एक समय था जब लोग गॉड हेड बोलते थे कि भाई गॉड हेड तो मेरी जो भूल जो मैंने की थी एक समय पे है ना, जो क्योंकि मुझे उतना तब मालूम नहीं था, मैं नया नया था, इतना सारा स्टडी नहीं किया था, इतना सारा डीपली मैं नहीं जा पाया था, जब वो कोई गॉड हेड बोलता था तो मैं उनको पिता मान लेता था कि भाई गॉड हेड मतलब पिता, पर ऐसा नहीं है। गॉड हेड उसमें पिता भी है एक व्यक्ति, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है ना। गॉड हेड तो वो एक परमेश्वर की बात है जो 3 व्यक्ति है। देखो बाइबल इस बात पर भी जोर देती है कि ईश्वरत्व का प्रत्येक व्यक्ति जो हमने देखा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर है, पूर्ण परमेश्वर है, फादर है। उत्पत्ति 1:1 में हम उसके बारे में देखता है ना कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इब्रानियों 1:3 यदि आप पढ़ो तो वहां सन के बारे में, पुत्र के बारे में यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादा से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। उत्पत्ति 1:1 में देखा पिता को परमेश्वर के रूप में दर्शाया है ना, यहाँ पर पुत्र के द्वारा बातें की जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा इस पुत्र जो परमेश्वर है उसके द्वारा उसने सारी सृष्टि को रची, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसे उसके तत्व की छाप है। पुत्र जो परमेश्वर है ना, बहुत सारी आयतें हैं, यदि आप कलुषियों 3:9 पढ़ो तो वहां पर लिखा है कि उस परमेश्वरत्व का सब कुछ है ना प्रभु यीशु मसीह में प्रकट हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ही है जो ईश्वरत्व को बॉडीली या जिसको हम देख सके वो प्रकट करता है,
प्रभु यीशु मसीह ही है जो पूर्ण परमेश्वर को प्रकट करता है। वो अपने आप में भी परमेश्वर है और ट्रायन परमेश्वर को, जो पूर्ण परमेश्वर है, उसको प्रभु यीशु मसीह प्रकट करता है। पवित्र आत्मा वो भी परमेश्वर है, होली स्पिरिट, उसको हम परमेश्वर कहते हैं। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 3 और 4 आयत, 3री और 4, ये स्टोरी आपको, बात आपको पता है कि जब नहीं हनानिया और साफिरा ने जमीन बेची, उस समय वो ऐसा था कि नहीं सब लोग अपने पास जो कुछ भी था वो बेच देते थे और प्रेरितों के यानी कि कलीसिया में लाते थे, और वहां पर ये घटना हुई। पत्रस उनसे कहता है हनानिया को, हे हनानिया, शैतान ने तेरे मन में यह बातें क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, किससे, पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या वो तेरी नहीं थी, और जब बिक गई तो क्या जो धन था वो तेरे वश में न थी, वो जो जो राशि थी वो तेरे। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी, क्यों तूने ऐसा विचार किया, तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। पहले लिखा है 3री आयत में, तू पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला, और बाद में तू परमेश्वर से झूठ बोला, यानी कि पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये तो सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूं, है ना, सिर्फ समझा रहा हूं, आपको रेफरेंस भी साथ में होने चाहिए। जो भी बात हम करें उसका बिब्लिकल आधार, बिब्लिकल रेफरेंस क्या है, नोट इसका, यदि थोड़ा हम समराइज करें तो इन सब वचनों से, और भी बहुत सारे वचन है, पर यह निष्कर्ष निकलता है कि भाई त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर जो ट्रायून गॉड है, परमेश्वर जो एक परमेश्वर है, ट्रायून परमेश्वर, एक परमेश्वर, और उनमें 3 व्यक्तियों, अलग अलग व्यक्तियों के रूप में वो विद्यमान होता है। पिता जो एक व्यक्ति है, पुत्र जो एक व्यक्ति है, और पवित्र आत्मा जो एक व्यक्ति है। गॉड इज द ट्रायून गॉड, वन गॉड एग्जिस्टिंग एज 3 पर्सन। तो अभी आप ये अच्छे से समझ पाओगे, है ना, कि देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही परमेश्वर है, पर वो 3 अलग अलग व्यक्ति के रूप में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में विद्यमान है। डिस्टिंक्टिवली पिता वो पुत्र नहीं है, पुत्र वो पवित्र आत्मा नहीं है, और पवित्र आत्मा वो पिता नहीं है। कुछ इल्यूस्ट्रेशंस हम देख लेते हैं। परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, उसमें बहुत कुछ उन्होंने ऐसा रखा है जहां पर मैं ऐसा कहूंगा परमेश्वर ने अपनी छाप छोड़ी है ना, अपनी छाप को उन्होंने छोड़ा है, ताकि लोग उनके बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में थोड़ा बहुत समझ पाए, उनके बारे में जान पाए। कई लोग इस विचारधारा को भी नहीं मानते कि भाई हम अस्तित्व से, ये जो सारे सृष्टि है सृजन कार्य से हम परमेश्वर को नहीं, सही बात है, हम आंशिक समझ पाते हैं, पूरा नहीं, है ना, पूरा नहीं, सिर्फ आंशिक उसके बारे में समझ पाते हैं। म्यूजिकल जो कोड होता है, 3 नोट मिलके 1 कोड बनता है, है ना। उसके बाजू में जो पिक्चर आप देखोगे तो ये अच्छा उदाहरण नहीं है, पर सिर्फ समझने के लिए हमने ये लिया है ना, ये अच्छा उदाहरण नहीं है पर समझने के लिए। H2O जिसको हम पानी बोलते हैं ना, पानी, तो पानी वो लिक्विड फॉर्म में पानी है, वहां पर एसेंस क्या है, उनमें कोर एसेंस पदार्थ क्या है, H2O। बर्फ है ना, वो भी H2O है, सॉलिड फॉर्म है ना, और बाफ गैस, तो वो भी, उनका यदि रियल एसेंस आप देखोगे तो H2O। सो पानी लिक्विड फॉर्म, बर्फ घन पदार्थ, और गैस के फॉर्म में H2O है, उनमें रियल सब्सटेंस क्या है, H2O, पर फॉर्म अगर आप देखो तो 3 है। पर ये अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि वो अलग अलग रूप को प्रकट करता है ना, हम रूप को नहीं मानते, हम व्यक्ति को मानते, पिता जो व्यक्ति है, पुत्र जो व्यक्ति है, और पवित्र आत्मा व्यक्ति है, ये 3 एक परमेश्वर है, वो अपने आप में भी परमेश्वर है, वो खुद भी परमेश्वर है, और वो तीन परमेश्वर नहीं है पर एक परमेश्वर है। देखो ये पूरा जो अस्तित्व, हम साइंस वाले लोग को ये साइंस जो नहीं, जो साइंस पे ज्यादा बिलीव करते हैं, टाइम स्पेस और मैटर, इसी से ही नहीं ये सारा अस्तित्व हम देख पाते हैं। तो टाइम
तो वो पास्ट, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल में डिफाइन किया गया है। स्पेस, जगह, तो हाइट, विड्थ और डेप्थ से नापा जाता है। मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में, है ना। हर एक जगह पे आप देखो एक छाप है ना। पर टाइम यदि आप बात करो तो हम उसको टाइम ही कहेंगे, है ना, पास्ट। पर वो डिफाइन कैसे होता है? भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। अणु जो है, हम कुछ भी, जो कुछ भी हमारे पास है उसका यदि आखिरी में नहीं, अणु और परमाणु, तो परमाणु में क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जो सबसे सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म, उसमें भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। आइए इनको कंक्लूड करते हैं, है ना, कंक्लूड करके देखते हैं। ये पहली बार मैं नहीं, लैपटॉप, ये परमेश्वर का अनुग्रह रहा कि कल रात को मुझे लैपटॉप मिला, पूरी रात मैंने बैठकर ये प्रेजेंटेशन मैं बना पाया, परमेश्वर को धन्यवाद। कंक्लूड करते हैं, परमेश्वर का अस्तित्व, ट्रायूनिटी, है ना। परमेश्वर वो त्रिएक परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है ना, ट्रायून गॉड। पर एक परमेश्वर जो कि तीन व्यक्तियों के रूप में विद्यमान होता है। परमेश्वर एक ही है जो त्रिएक परमेश्वर है, और वो तीन सेपरेट व्यक्तियों के रूप में विद्यमान होता है। कौन है वो? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। क्वेश्चन है ना, यह कहना, कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है कि परमेश्वर एक है फिर भी वो तीन अलग अलग व्यक्तियों के रूप में है? यस, गॉड इज वन येट ही एग्जिस्ट एज थ्री पर्सन। देखो, व्यक्ति, इसका मतलब यह है कि तीन जो व्यक्ति है उसमें जो उनका जो एसेंस है, तत्व, ईश्वरत्व, है ना, वो एक है। और उन सब का नहीं, हर एक व्यक्ति का एक गुण होता है, स्वभाव होता है, तो व्यक्तियों का व्यक्तित्व होता है, अर्थात उसमें गुण और क्षमता होती है ना, एट्रीब्यूट्स एंड कैपेसिटीज। त्रिएकता में हम देखते हैं कि भाई पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उनमें भी हम, अगर समय मिला तो आने वाले समय में ये देखेंगे, पर हर एक का स्वभाव और कार्य हम देख सकते हैं, है ना। ऊपर ऊपर से कई बार लोग बोलते हैं कि भाई पिता जो सर्जन का कार्य करता है, पुत्र जो उद्धार का कार्य करता है, और पवित्र आत्मा जो सेंटिफिकेशन, है ना, कार्य करता है, सेंटिफिकेशन का। पर ये आंशिक रूप से सत्य है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि यदि आप सर्जन कार्य में देखो तो वहां पे भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, है ना। कार्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, इनका कार्य, तो वहां पे भी आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की, पानी के ऊपर आत्मा मंडराया, परमेश्वर ने जब बोला, जो शब्द है वो शब्द कौन है? वो शब्द प्रभु यीशु मसीह है, है ना। और जो कार्य, जो एनर्जी वहां पर है, जो जिस एनर्जी से वो सब हुआ, वो पवित्र आत्मा है। कई बार हम अपने आप के द्वारा भी, लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि भाई चलो हमारा जो बंधारण है उसके द्वारा, कि भाई हम मनुष्य, शरीर है, आत्मा है और प्राण भी है, है ना, इसके द्वारा भी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एक तत्व पिता में, परमेश्वर में, वन एसेंस है, एक तत्व है, एक सार है। त्रिएकता में प्रत्येक सदस्य में, हर एक व्यक्ति में, सब्सटेंस में, एक दिव्य तत्व है, वो अपने आप में परमेश्वर है, है ना। पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, पर वो तीन परमेश्वर नहीं है, पर एक परमेश्वर है। जब भी हम गॉड हेड बोले तो वहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मौजूद है, और वो पूरी तरह से परमेश्वर है। आपको सब कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसीलिए ये मिस्ट्री है, लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं, पर जितना भी हम जानते हैं वो बहुत ही आंशिक है, वो पूरा ट्रिनिटी के बारे में हम पूरा नहीं जान पाते हैं। देखो क्यों, यदि परमेश्वर के बारे में मनुष्य सब कुछ जान ले तो वो परमेश्वर नहीं रहेगा, मनुष्य आसानी से उनको आसानी से नहीं, पर उनको मैन्युपुलेट करेगा यदि हम सब कुछ उनके बारे में जान ले। इसको कैसे समझा, एक एक उदाहरण मैं देता हूं। देखो, जब
आपको पता है मूसा के पास आकर परमेश्वर कहता है कि मैं ये सभी इसराइली को मार डालूंगा, इनको मैं नष्ट कर दूंगा। मूसा वहां पर क्या कहता है कि तूने वचन दिया है ना। वो जानता है कि जो वो बोल चुका है, जो वचन वो दे चुका है, वो तोड़ नहीं सकता है ना। दैट काइंड ऑफ मैनिपुलेशन मैं बात कर रहा हूं, कि मूसा ये जानता है कि पिता तू ये नहीं कर सकता है, तू ये नहीं कर सकता है ना, क्योंकि तूने वचन दे दिया है कि इस जाति से, है ना, इस जाति से मैं आकाश के तारे और समुद्र की रेती के समान संतान बनाऊंगा, इतने सारे संतान कर दूंगा। वो वचन था, इसलिए मूसा वहां पर कहता है कि परमेश्वर रुक, तू ये नहीं कर सकता, ऐसा मत कर, तेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे, है ना। लेकिन उनके अपने ईश्वरीय समुदाय में, यूनिटी में, है ना, ट्रायूनिटी में अलग अलग कार्य और भूमिकाएं और जिम्मेदारी हर एक पिता की भी है, पुत्र की भी है और पवित्र आत्मा की भी है। अलग अलग रोल है, वो आने वाले समय में हम देखेंगे। बहुत सारी बातें उनके कार्य के बारे में, उनके रोल के बारे में आप जब जब बाइबल पढ़ते हो आपको पता चलेगा। जैसे कि उद्धार की बात करें, सीधा आपके मन में नहीं, प्रभु यीशु मसीह आएगा, पर उद्धार के कार्य में पिता भी मौजूद है, प्रभु यीशु मसीह भी मौजूद है जो बलिदान करता है, अपना लहू चढ़ाता है, और पवित्र आत्मा भी मौजूद है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपको और मुझे अपने पापों का एहसास कराता है और हमें पश्चाताप तक ले जाता है ना। तो फिर से जो हमने देखा था पहले, वो वापिस से आ जाती है कि पिता जो परमेश्वर है, पुत्र जो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है ना, वो तीन परमेश्वर ना हो करके एक परमेश्वर है, पर तीन अलग अलग व्यक्ति है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में बहुत कुछ आप बाइबल के से सीख सकते हो। ये थोड़ा बहुत मैंने प्रयास किया है, मैं भी कहता हूं, जैसे ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई ट्रिनिटी को, त्रिएकता को देखो, सिंपल फॉर्म में यदि समझना है तो मेरे शब्द में एक परमेश्वर है जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन व्यक्ति है। और दूसरा कि भाई पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। वो तीन परमेश्वर नहीं है, पर वो एक परमेश्वर है। इसीलिए बाइबल कहती है, हे इसराइल सुन, हे परमेश्वर के लोगों सुनो, परमेश्वर हमारा वो एक ही प्रभु है। पर वो एक प्रभु पिता को भी दर्शाता है, पुत्र को भी दर्शाता है, पवित्र आत्मा भी व्यक्ति के रूप में, पिता जो एक व्यक्ति है, पुत्र जो एक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा जो एक व्यक्ति है, ये तीनों वहां पर परमेश्वर के रूप में मौजूद है। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जो कुछ भी तेरे वचनों से आपके ईश्वरत्व के बारे में, आप एक परमेश्वर हो फिर भी तीन अलग अलग व्यक्ति हो, और आप आदर और सम्मान के, आराधना के योग्य हो। काफी बातें हमने पिछले सेशन में देखी थी, काफी बातें जो स्पेशली ट्रिनिटी के विषय में इस सेशन में हमने देखी है, इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, ये हमारा प्रयत्न है। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि ये बातें जितना भी हम समझ पाए, समझने के लिए आपकी आपकी अगुवाई हम मांगते हैं, आपका अनुग्रह मांगते हैं। प्यारे परमेश्वर, ट्रिनिटी विश्वास से ही समझी जाती है, बिना विश्वास के हम इसको नहीं समझते हैं। इसीलिए बाइबल का परमेश्वर, परमेश्वर पिता आप, पुत्र परमेश्वर आप, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप, हमसे विश्वास की उम्मीद रखते हो। विश्वास के द्वारा वो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि उनको समझने के लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो विश्वास है। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है कि आपके विश्वास से हमें भर दीजिए, हमें वो विश्वास दीजिए ताकि आपके बारे में हम और भी सीख सके, और भी समझ सके। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में, सृजन के बारे में वो सब देखेंगे। हमारी सहायता करना कि आपके विषय में हम और भी अच्छे से समझ पाए। पवित्र आत्मा, हम आपके हाथों में समर्पित होते हैं, प्रभु आपकी ही इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से, आमेन।